Yes, children, question number 15, we are going to start. Accounting equation chapter is going on. The first equation is D. Mahapatra. D. Mahapatra is the name of the proprietor. He commenced means started. He started business with cash 50,000 and 1 lakh rupees by check and goods and machinery and furniture. So many assets are already with him. When he is starting the business. So we will write it. You know what is the statement. सबसे पहले जो हम लिखते हैं, assets is equal to liability plus capital. थोड़ा छोटा लिखूंगी मैं, नहीं देखा तो बता. Okay, so he has assets में he has cash, bank. और क्या है, गुड्स है, मशीनरी एंड फर्नीचर. यहां पे देखिए, फर्नीचर, मशीनरी, गुड्स और बैंक. तो फिलहाल के लिए हमारे पास फाइव एसेट्स है. अमाउंट हम लिख लेते हैं, कैश है 50,000, 1,60,000, 50,000, 1,60,000. ध्यान से लिखनी है अमाउंट, ठीक है. 1 lakh मशीनरी, फर्नीचर 50,000. मशीनरी इज 1 lakh एंड फर्नीचर इज अगेन 50,000. टोटल कितना हो गया बेटी हमारा, ये सारे एसेट्स को जोड़ के ये हो गया 3,60,000. यस, सो द सेम इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल 3,60,000. चलिए, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 अब हमारी क्या हो रही है, इक्वेशन नंबर 2 इज सेइंग, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव ऑप्टेड टू डू दिस क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. कहता 1/3 ऑफ द गुड्स, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा नीचे रफ में, जहां क्वेश्चन खत्म होता है वहां पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे. वर्किंग नोट देखिए क्या कहता है, वर्किंग नोट सेज 1/3 ऑफ द गुड्स. कितने गुड्स थे हमारे टोटल 60,000 के, 60,000 गुड्स के 1/3 गुड्स बेच दिए, कितना आया 20,000. 20,000 रुपए के गुड्स हमने बेचे, कितने में, कह रहे हैं 10% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऐड किया 10%, इस पे 10% ऐड कर दो, 20,000 का 10% कितना होता है 2,000. It will be 22,000 की गुड्स बेच दिए. थे कितने के गुड्स, 20,000 के गुड्स हमने 22,000 के बेच दिए हैं. और उसके आगे लिखा हुआ है हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश. हाफ पेमेंट मतलब कि इसको हाफ ऑफ कर दो, ऐसे कर दू, 11,000 रुपए कैश आ गया और 11,000 रुपए नहीं आया. जो 11,000 हमारे पास कैश आ गया है वो कैश में लिख दूंगी, जो 11,000 कैश नहीं आया है उसका डेटर क्रिएट हो जाएगा ना, यस और नो. ऐसे ही नोट कर लीजिए, गुड्स की सेल हुई, उन गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, यहां लिख देती, गुड्स की कॉस्ट थी 20,000, प्रॉफिट ऐड हो गया 2,000 और सेल कितने की हो गई 22,000 की सेल होगी, और वो 22,000 का 11,000 कैश आ गया, 11,000 का डेट आ गया. डन है बेटे, वर्किंग नोट नोट कर लिया अपने सबने. ओके, सो ऊपर जा रहे हैं अब हम. सबसे पहले गुड्स से स्टार्ट करते, गुड्स कितने गए मेरे 20,000 के गुड्स चले गए, तो गुड्स में से 20,000 गया, प्रॉफिट कितना हुआ मुझे 2,000 का प्रॉफिट हो गया मुझे, कैश कितना आया मेरे पास 11,000 रुपए कैश आ गया,
और जो नहीं आए हैं पैसे, यहाँ पे मेरे पास इस साइड जगह कम है, तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट हेयर ओनली। यहाँ पे एक मैं नया एसेट क्रिएट कर रही हूँ इसी साइड, इज इक्वल टू को थोड़ा उधर कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक नया एसेट क्रिएट किया डेटर, कितने का एसेट बना मेरा 11,000 का, ठीक है। लाइबिलिटी इतनी की इतनी है, समझ आ गया। गुड्स चले गए 20,000 के, प्रॉफिट हो गया 2,000 का, 11,000 कैश में आ गया, 11,000 का डेटर आ गया जिसने पैसा नहीं दिया, वो मेरा एसेट बन गया, एसेट्स में ही लिखा है। नाउ माय सेकंड इक्वेशन विल बी, लाइन ड्रॉ कर दो और देखो क्या बनती है। फर्नीचर सेम 50,000, मशीनरी सेम 1,00,000, गुड्स चेंज्ड 40,000 हो गया, बैंक बैलेंस 1,00,000, कैश चेंज हो गया 61,000 हो गया, और एक नया एसेट मेरे पास क्रिएट हो गया 11,000 रुपए का डेटर। लाइबिलिटीज हमारे पास है 0, प्लस कैपिटल मेरी बन गई है 3,62,000। आप चेक कर लो दोनों साइड इक्वल ही होंगी। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 3 आप पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा टाइम से साथ साथ लिख भी सकती हूँ। इक्वेशन नंबर 3 बेटे समझ लीजिए, दे हैव गिवन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कैन एनीवन ऑफ यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। यस्टरडे आई टोल्ड यू, नो वन। डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट नहीं मालूम है बेटे किसी को भी? सिफत प्रीत, ओके, यस बेटे बताइए। मैम मशीनरी में से जो डेप्रिसिएशन होगी उसे माइनस कर देंगे और कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। मशीनरी है डेप्रिशिएट हो रही है, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, वेरी गुड। तो मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड, माइनस हो जाएगी, और क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक लॉस है, एसेट की वैल्यू कम हो रही, तो कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगी। अमाउंट हमें कल वाले क्वेश्चन में गिवन था, आज वाले क्वेश्चन में नहीं दिया, 10% बोला है। तो मशीन कितने की है, 1,00,000 की, 1,00,000 की मशीन का 10% कितना हुआ बेटे बोलो? 10,000 और अब मेरे पास आ गया ये 50,000, मशीन हो गई मेरी 90,000, गुड्स हो गए मेरे 40,000, बैंक बैलेंस मेरा सेम है 1,00,000 रुपए, कैश मेरा सेम है 61,000, क्रेडिटर सॉरी डेटर मेरे सेम है 11,000, लाइबिलिटी मेरी अभी तक कोई नहीं हुई है, और कैपिटल मेरी चेंज हो गई है 3,52,000। ओके जी, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 देखिए, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये नीचे वाला रब कर दो, बताऊ रब कर दो, ओके। सो पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला तो कहां से जाएगा बेटे? फ्रॉम वेयर आई विल डिडक्ट इट? हरमन, यस बेटे। मैम कैश में से भी माइनस होगा और कैपिटल में से भी माइनस होगा। वेरी गुड, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश एंड कैपिटल, अमाउंट इज आल्सो गिवन, सिंपल सा है। 10,000 कैश में से चला गया, 10,000 कैपिटल में से चला गया। लाइन ड्रॉ कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4, वेरी वेरी इजी। तो नाउ इट विल बिकम 50,000 सेम है, फर्नीचर 90,000 सेम है, मशीनरी 40,000 सेम है, गुड्स 1,00,000 सेम है, बैंक प्लस 51,000 मेरा कैश हो गया, डेटर मेरा सेम है 11,000, लाइबिलिटी मेरी चेंज ही नहीं हो रही है अभी तक, 3,42,000 अब मेरी कैपिटल हो रही है। ओके, डन है जी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखिए. क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 5%. वैसे तो क्वेश्चन में ना हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या ड्रॉइंग गिवन होता है, नहीं गिवन है तो नो प्रॉब्लम. ड्रॉइंग कितनी है हमारी? 10,000. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग? इट इज 10,000. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कैलकुलेट करेंगे. 10,000 का 5% कितना हुआ बेटे? 500. तो अब आप ध्यान से समझना इस पॉइंट को, इसको स्टार लगा के कहीं लिख लीजिए साइड पे, राइट इट समवेयर. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज अ स्पेशल ट्रीटमेंट. इन दोनों की ना स्पेशल ट्रीटमेंट होती है. Will have a special treatment. अब special treatment क्या है? It will be added to the capital and deducted from the capital. ये capital में ही plus होके capital में से ही minus हो जाते हैं. Who interest on capital हो या interest on drawings हो, इन दोनों का यही है. They will be added to the capital and deducted from the capital. अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? सी, अगर कोई भी बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करता है बिजनेसमैन से, तो हम उसके पैसों में से कटेंगे ना इंटरेस्ट, तो हम उसके पैसों में से 500 रुपीज माइनस कर देंगे कि हमने तुमसे चार्ज कर लिया, 500 रुपया निकाल लो जो तुमने ड्रॉइंग ले ली. अब क्योंकि बिजनेस उसका है, तो बिजनेस को अगर 500 रुपए का फायदा हुआ तो वो भी उसी को होने वाला है. तो प्रॉफिट कोई भी होता है तो उसी के कैपिटल में प्लस होता है, तो उसी की कैपिटल में ये प्रॉफिट ऐड भी हो जाएगा. सो 500 विल बी माइनस उसी की कैपिटल में से और प्लस भी उसी की कैपिटल में हो जाएगा. सो अल्टीमेटली इट विल हैव नो इफेक्ट एंड अवर इक्वेशन विल रिमेन सेम. इक्वेशन नंबर 5 विल बी एग्जैक्टली सेम. 50,000 प्लस 90,000 प्लस 40,000 प्लस 1,00,000 प्लस 51,000 प्लस 11,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 3,42,000. ओके, जी आगे करें. नेक्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां तक हो गया. वो कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू गुप्ता. ये आपको बताया हुआ, जब भी हम नाम गिवन होता है इसका मतलब उसने क्रेडिट पे हमसे चीज खरीदी, पैसा नहीं दिया. हमने गुड्स बेची गुप्ता को 10,000 की, उसने पैसे नहीं दिए, उसने हमें एक बिल दे दिया. तो बिल जो है उससे हमें 3 महीने के बाद पैसा मिलना, तो वो एसेट हो गया हमारा. जैसे अगर कोई हमें चेक दे दे, हमें उसमें से पैसे मिलेंगे बाद में, या हमें उसने चेक की जगह बिल दे दिया जिसमें से हमें पैसे मिलने वाले, तो एक नया एसेट क्रिएट हो गया जिसका नाम होता है बिल रिसीवेबल. तो यहाँ पे ट्रीटमेंट देखिए इसकी कैसे आएगी. थोड़ा सा मैं इसको ऐसे टर्न कर रही हूँ. गुड्स ये 40,000 में से 10,000 के गुड्स चले गए, और वो 10,000 का मेरा एक नया एसेट क्रिएट हो गया. जगह तो मैंने यहाँ पे बना लेते, फर्नीचर के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जगह होगी B/R. B/R का मतलब होता है बिल रिसीवेबल. इस तरह से एरो डाल देती हूँ, एरो डाल के मैंने यहाँ पे एक नया लिखा है 10,000 का. 10,000 का मेरा एक नया बिल आ गया. ठीक
ठीक है. सो माय इक्वेशन नंबर सिक्स विल बिकम, इस लाइन ड्रॉ कर दो, न्यू इक्वेशन. अब एक नया एसेट है बिल रिसीवेबल 10,000 का प्लस फर्नीचर 50,000 का, मशीनरी इज 90,000, गुड्स आर 30,000, बैंक बैलेंस इज 1 लाख रुपीज, 51,000 is the amount of cash, 11,000 is the amount of debtor, 0 is the liability and 3,42,000 is the capital sale. हाँ जी बेटा, नहीं दिख रहा? Is it visible now? Please write it down side by side. ओके, सो लास्ट स्टेटमेंट इज लेफ्ट. वो कह रही है जी बिल मैच्योर हो गया. ये जो बिल था इसका टाइम पीरियड कितना था? 3 मंथ का टाइम पीरियड था. 3 मंथ के बाद बिल से पैसे मिल जाने थे. 3 मंथ पूरे हो गए, पैसे मिल गए. अब क्या होगा? बिल खत्म हो गया. बिल में से 10,000 रुपए चले गए, माइनस हो गए. और वो 10,000 रुपए कहाँ पे आ गए हमारे बेटे? कैश में ऐड हो गए वो 10,000. बिल खत्म होके 0 हो गया और कैश में 10,000 रुपए ऐड हो गए. सो माय इक्वेशन नंबर 7 विल बिकम, लाइन ड्रॉ कर दो, लास्ट इक्वेशन. बिल अब हो गया 0, ठीक है, तो उसको बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया बिल. फर्नीचर मेरे पास है 50,000, मशीनरी मेरे पास है 90,000, स्टॉक जिसको गुड्स को जिसको स्टॉक बोलते हैं 30,000, बैंक बैलेंस हमने चेंज ही नहीं किया 1 लाख, ठीक है जी. कैश मेरे पास वापस से 61,000 हो गया. डेटर्स हमारे सेम 11,000, लायबिलिटी मेरी 0 और 3,42,000. दोनों साइड का टोटल मैच कर लो, इट विल बी इक्वल. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ अस व्हिच शोज दैट द बिल रिसीवेबल इज 0. बिल खत्म हो गया ना हमारा, बाकी सारी चीजें आपको लिख दी गई हैं. प्लीज राइट इट डाउन. ओके, यू कैन टेक 1 मिनट इफ यू वांट टू राइट, और शैल आई कंटिन्यू? वी हैव टू कवर all the questions have some or the other new point, so we need to cover all of them. Question number 20 tak we have already done, so let's start with the question number 22. Bhi aap apne aap hi bete kar loge. Question number 22 dekhiye, ye kar hi dete hain patapat se. In question number 22 they have told you what is given. Pehle wo likh lete hain. Capital is given, रेवेन्यू इज गिवन, एक्सपेंस इज गिवन. रेवेन्यू पता है ना आपको, खर्चा क्या होता है, इनकम. कैपिटल होती है कैपिटल, जो ओपनिंग कैपिटल है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. एक्सपेंस आपको पता है क्या होता है, इसका अमाउंट है 40,000, 50,000, 50,000, again 40,000. So this is the amount which is being given to you. ठीक है जी. And also creditors are given. Creditors are for 25,000. Question में पूछा assets बताओ, कर सकते हैं assets? Assets is equal to formula क्या है? Liability. Liability plus capital. Capital. Very good. And capital में हमारे in revenue plus हो जाएगा, expense minus हो जाएगा. तो capital कितनी बन जाएगी मेरी बताइए? ये इसको मैं कहती हूँ opening capital, ठीक है? ओपनिंग कैपिटल मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल इतनी थी, फिर उसमें खर्चे और इनकम और एक्सपेंस को एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल आएगी वो होगी क्लोजिंग कैपिटल. तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई, ऐसे लिख देती हूँ, ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, बताइए कितना आएगा अमाउंट? 50,000. 50,000. So this is the amount of
माय क्लोजिंग कैपिटल, ये वाला वर्ड अब याद रख लो आप पढ़ेंगे, क्लोजिंग कैपिटल. सो क्लोजिंग कैपिटल इज 50,000, लायबिलिटी इज ऑलरेडी गिवन 25,000, सो द अमाउंट ऑफ एसेट्स शुड बी 75,000. इस तरह से आप आंसर जो है वो लिख दो. इतना ही दिया? यस. ओके ठीक है जी. तो ये वाली एक चीज आप याद रख लेना, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी रेवेन्यू और एक्सपेंस गिवन है तो आपने जो भी ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल, एनीवन ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग कैपिटल. जो मैम अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं. वेरी गुड. और व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल? जो मैम लास्ट में एक्सपेंस रेवेन्यू प्लस माइनस करके, इट इज द कैपिटल इन एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ ऑल द रेवेन्यू ऑल द एक्सपेंसेस, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो आई वो क्लोजिंग कैपिटल. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन. नंबर ये तो इजी से लग रहे हैं, यू विल बी एबल टू डू. क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 हम कर लेते हैं. ओके 25 काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं, उसमें सारी पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे. इसको रब कर दो या रहने देते हैं, आप कर लीजिए नोट. क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इंफॉर्मेशन आपको बता रही हूँ, ओपनिंग कैपिटल इज गिवन. क्वेश्चन 25, opening capital is 25,000. Then Mohan वाला question है, question में लिखा Mohan started business on 1st April. Capital दिया, loan भी दिया. Loan दे 12,500. तो liability दिए 12,500, उसने शाम से loan लिया. उसके बाद दिया है during the year उसने कुछ और दिया. Okay, तो एक आपको formula बता देती हूँ जिसको यूज करके यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन. यहाँ पे दैट फॉर्मूला कैन बी यूज्ड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. मुझे वर्टिकली ज्यादा पसंद है तो मैं वैसे लिख देती हूँ, आपको जैसे इच्छा लगे यू कैन डू दैट. ओपनिंग कैपिटल जो बेटी होती है ना क्वेश्चन में, उसमें हमने एड करना है, मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, उसमें हमने एड करना है एडिशनल कैपिटल. अगर क्वेश्चन में कभी दिया हो कि मान लो एक बंदा था, उसकी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इतनी कैपिटल थी, उसने ड्यूरिंग द ईयर और पैसा इन्वेस्ट किया, एडिशनल कैपिटल लगाई, प्लस इसमें कर दो प्रॉफिट, माइनस कर दो अगर कोई लॉस हुआ, और माइनस कर दो अगर क्वेश्चन में कोई ड्रॉइंग्स दी है, जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी द क्लोजिंग कैपिटल इन द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, this is the formula to calculate closing capital in case opening capital is given to you. अब same question number 25 में दिया है, वही करने लगी हूँ मैं. question में closing capital ढूंढनी है मुझे. I'm question नहीं लिख रही हूँ, we have only 1 minute with us. closing capital is equal to, ये आ जाएगी opening capital कितनी है, 25,000. और क्वेश्चन कहता है कि इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 12,500 उसने लगाई, ये फॉर्मूला लगा रही हूँ, 12,500 एडिशनल कैपिटल लगाई, पर्सनल यूज के लिए 7,500 ले लिया, ड्रॉइंग माइनस कर दो और दैट्स ऑल, प्रॉफिट्स भी निकाल ले, दैट्स ऑल. सो यहाँ पे मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, इसको प्लस माइनस करके 12,500 30,000 आ गया. 30,000. So this is the amount.